अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 की जो डेट शीट है उसको देखने वाले हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 की डेट शीट आ चुकी है और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस डेट से जो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो हैं 2025 के स्टार्ट हो रहे हैं, किस डेट को, कौन से डे को, कौन से सब्जेक्ट का जो है वो बोर्ड का पेपर होगा और लास्ट डेट क्या होगी जब मैट्रिक एग्ज़ाम जो है वो एंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिहाज से पेयरिंग स्कीम और बहुत सारी चीज़ें जो है अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस टाइमली आप लोगों तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड इस दफ़ा जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है उसमें आपका पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया गया है, और पासिंग क्राइटेरिया वो ये है कि अब हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लेने होंगे पास होने के लिए। पहले 33 मार्क्स पे एक स्टूडेंट को पास कर दिया जाता था और अब आपको 40% गेन करने होंगे मार्क्स हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अब हम डेट शीट को देखते हैं कि डेट शीट में कौन से दिन को कौन सा सब्जेक्ट का जो है वो एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो फर्स्ट वन जो एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो 4 मार्च को है। इसका मतलब मार्च के महीने में स्टार्टिंग में आप लोगों के मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, और इसमें देखें तो ट्यूजडे को पहला पेपर होगा और वो भी इस वीक्स का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह आप लोग सामने देख लें, ये वाले मॉर्निंग का वाला ऑप्शन है और ये वाला आपके सामने इवनिंग सेशन का, उसी दिन सेकंड टाइम कौन सा पेपर होगा वो सामने लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर जो है यहाँ पर देखें तो वो है 5 मार्च को और वो वेनसडे को होगा और वो पंजाबी का होगा, ठीक है। इसी तरह जो है इवनिंग सेशन में भी पंजाबी का है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 6 को है और वो है इंग्लिश का जो है एग्ज़ाम है, इंग्लिश का पेपर होगा, कंपलसरी इंग्लिश, और ये आफ्टरनून में भी यही पेपर होगा। उसके बाद है 7 मार्च को देखें तो अरबिक का पेपर है। उसके बाद 8 मार्च को देखें सैटरडे को तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस मतलब जनरल साइंस का पेपर होगा। उसके बाद 10 जो है वो 10 मार्च को मंडे वाले दिन जो है इसका पेपर जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। और इसी तरह 11 को देखें तो आपके सामने नया जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 11 मार्च को जो है वो फिजिक्स का पेपर होगा और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होगा। इसी तरह आफ्टरनून में भी आप यही शेड्यूल होगा। उसके बाद 12 मार्च को देखें तो आपके सामने इस्लामियत का पेपर है, और 13 मार्च को देखें तो आपके सामने मैथमेटिक्स का जो है वो पेपर है। यहाँ पर जनरल साइंस साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप दोनों का मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा 13 मार्च को होगा। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वो है 14 मार्च, और 14 मार्च को है पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी का पेपर। और इसी तरह 15 मार्च को देखें सैटरडे को तो है एजुकेशन जो है इसका पेपर है, और 17 मार्च को देखें तो आपके सामने बायो कंप्यूटर साइंस जो है उसका पेपर होगा। और इसी तरह 18 मार्च को नेक्स्ट पेपर होगा, और 18 मार्च को पेपर कौन सा होगा वो है ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान आपके सामने है, और 19 को सेकंड लास्ट पेपर होगा 19 को, और वो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन 20 मार्च को पेपर होगा और वो है उर्दू कंपलसरी मतलब ये सबका ही पेपर होगा। तो देखें आपके जो एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक के वो 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 20 मार्च को जो एंड हो रहे हैं। अब इसमें जो जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक के अंदर, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने डेट्स देख लेनी है कि आपके कौन से सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को हो रहा है। इस तरह आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी या शेड्यूल बना लेना है। तो ये डेट शीट है मैट्रिक की 2025 के जो एग्ज़ाम्स होने हैं मैट्रिक स्टूडेंट्स के, उनके लिहाज से जो आप लोगों को मैंने कम्प्लीट एक्सप्लेन की। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।